हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल फ्लाइंग इंजीनियर में। आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसके लिए हमारे पास है सोडियम मेटल। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि इस सोडियम मेटल के कुछ छोटे से टुकड़े को पानी में डालने वाले हैं। हाँ, आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन नमक में सोडियम होता है ये पक्का बोल सकता हूँ। यानी कि जो हमारा खाने का नमक है वो सोडियम से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ सोडियम मेटल के, कि जो सोडियम मेटल है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, और इसके साथ ही ये पानी से हल्का होता है जिसके कारण ये पानी पे तैर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम निकाल लेते छोटा सा टुकड़ा, ये है सोडियम, और इसको फिर से बंद कर देते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये सोडियम मेटल है, ये जैसा कि मतलब हम पढ़ते हैं कि जो सोडियम मेटल होता है बिल्कुल सिल्वर की तरह दिखाई देता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण ये है कि इसके ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो जिसके कारण इसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन गई, इसलिए ये थोड़ा ब्राइट नहीं दिख रहा है या सिल्वर कलर का नहीं दिख रहा है। तो इसे हम क्या करने वाले, काटने वाले हैं। तो इसकी ऑक्साइड लेयर हट जाएगी और हम इसका जो सिल्वर कलर है वो देख पाएंगे। और जैसा मैंने बताया था ये बहुत सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि इसको हम चाकू से काट सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इसे, यहाँ पे सिल्वर कलर से ये कुछ ही टाइम में इस पर ऑक्साइड लेयर बन जाएगी। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है जिसके कारण ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर बन जाएगी। तो अब हम बहुत ही छोटा टुकड़ा काट के इस पानी में डालने वाले हैं, और हाँ इसको घर पे ट्राई नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं। ये हमने काट लिया एक छोटा सा टुकड़ा, और इसको डालने वाले हम पानी। ये देखिए ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है, देखिए ये जल चुका है, और ये आप देख रहे हैं ये मतलब हवा के अंदर फ्लोट कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि ये जब पानी में गया है तो इसके साथ हाइड्रोजन गैस बन रही है, और हाइड्रोजन गैस जैसा हमें पता ही है बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, तो इस वजह से ये जलने लग गया। सोडियम मेटल पानी से रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस बना रहा है, और ये इतना ज़्यादा मतलब ये जो रिएक्शन होती है इतनी ज़्यादा हीट बनाती है कि जो हाइड्रोजन है उसने आग पकड़ ली, और ये अभी तक जल रहा है। ये तब तक जलता रहेगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि तब तक ये हाइड्रोजन क्रिएट करता रहेगा। वाओ, बहुत ही अमेजिंग। स्टिल आई कांट बिलीव दैट कि हमारा जो नमक होता है वो इस सोडियम मेटल से मिलके बना होता है। बाप रे, इतना खतरनाक मेटल, और उसे हम खाते हैं इस नमक, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। चलिए इसके साथ कुछ और धमाका करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि जो सोडियम मेटल है वो पानी से कितनी तेज़ी से रिएक्ट करता है। अभी हम आ चुके हैं ओपन स्पेस में, यानी खुली जगह में। अब हम क्या करने वाले हैं, इस बार थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेंगे, और जो सोडियम मेटल है वो कुछ ज़्यादा मात्रा में मिलाने वाले, और फिर देखेंगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। हे यार,
तो कैसा लगा आपको सोडियम का धमाका? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी ड्रेस कैसे चेंज हो गई। कल क्या हुआ था, हमने जो वीडियो शूट किया था उसमें मेरा मोबाइल टूट गया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाके फटाफट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप जो भी आपके दिमाग में कोई आइडिया हो जिस पे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं आपका आइडिया। जय हिंद।